पार्टी का प्रोग्राम रखा है। स्थाई टी पार्टी में शामिल होने के लिए पीएम ने एनडीए के सहयोगी दलों के सांसदों को न्योता भेजा है। पीएम ने शिवसेना को भी बुलाया है। हाई टी पार्टी में शिवसेना के सांसद तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने आने से इनकार किया है। बताया जा रहा है कि पीएम पहले सभी नेताओं को संबोधित करेंगे, फिर अलग अलग सभी से मुलाकात भी करेंगे। कहा जा रहा है कि मोदी शिवसेना को भी बुलाया है। हाई टी पार्टी में शिवसेना के सांसद तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने आने से इनकार किया है। बताया जा रहा है कि पीएम पहले सभी नेताओं को संबोधित करेंगे, फिर अलग अलग सभी से मुलाकात भी करेंगे। कहा जा रहा है कि मोदी इस हाई टी पार्टी के जरिए सहयोगियों से दूरी कम करने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी की खासियत है कि वो सीधा संवाद करते हैं, इसलिए वो आज सहयोगियों के सामने पिछले 5 महीने में सरकार के कामकाज का जिक्र भी कर सकते हैं और अपनी उपलब्धियां भी गिना सकते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शर्मा मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। संजय, मुझे ये बताइए, मोदी के दिमाग में क्या ख्याल आया है जो उन्होंने एनडीए के सांसदों को चाय पे बुलाया है? राशि, देखिए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जश्न का माहौल है। उनकी पहली दिवाली है 7 रेसकोर्स रोड में, साथ ही साथ अपने सहयोगी जितने भी सहयोगी हैं उनके एनडीए के सभी के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश करने का भी उनको मौका मिल रहा है। पिछले 5 महीने के शासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उंगली उठाने का किसी को भी अभी तक एक भी मौका नहीं मिला है। दिवाली गिफ्ट में उनको 2 जगह उन्होंने सरकार बना के दिखाई है। दोनों जगह बीजेपी ने अपने अकेले अपने दम पर सरकार बनाने का बहुमत हासिल किया, तो मोदी के लिए जश्न का माहौल है। और इस खुशी को वो जिस तरह से उन्होंने कल मीडिया के साथ शेयर किया, मीडिया के साथ उन्होंने खुशियां बांटी, आज वो एनडीए के अपने सहयोगी दलों के सांसदों के साथ इसी खुशी का इजहार करेंगे और उनके साथ खुशियां बांटेंगे। रशीद, संजय शर्मा, बहुत संक्षेप में बताइए, डिनर और लंच डिप्लोमेसी होती है, लेकिन टी डिप्लोमेसी में क्या महाराष्ट्र में सरकार बनाने का कोई फॉर्मूला भी निकाला जा सकता है? राशि, देखिए शिवसेना से जो बातचीत हो रही है वो कुछ अलग अलग नेता अपने अपने स्तरों पे कर रहे हैं, कुछ नॉन पॉलिटिकल लोग भी इसमें बातचीत में लगे हुए हैं, अलग अलग तरह से बातचीत चल रही है। इस डिनर डिप्लोमेसी में आप कम से कम सरकार बनाने की बात नहीं होगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद नहीं आ रहे हैं, शिवसेना के कुछ सांसद रहेंगे जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके और बीजेपी के नेताओं के टच में संपर्क में है। यहाँ पर जी संजय, बहुत शुक्रिया, साथ डिनर का भी प्रोग्राम रखा। संजय, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी सरकार बनाने की पूरी तैयारी में जुटी है, लेकिन शिवसेना के साथ रिश्तों पर जमी बर्फ अब तक पिघली नहीं है। कल प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में थे, लेकिन उनकी उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात नहीं हुई, इसके कयास काफी तेज थे। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद पीएम मोदी पहली बार मुंबई दौरे पर गए, लेकिन यहां उद्धव से उनकी मुलाकात की संभावना महज अटकलों तक सिमट कर रह गई। रिलायंस फाउंडेशन के अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए उद्धव ठाकरे को भी न्योता मिला था, लेकिन शिवसेना प्रमुख नहीं आए। इन तस्वीरों को देखिए, मंच पर बैठे पीएम मोदी के ठीक सामने अगली कतार में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े बैठे हैं। अगर उद्धव ठाकरे आते तो हो सकता है कि वो यहाँ बैठे दिखाई देते, लेकिन शिवसेना प्रमुख ने कार्यक्रम से दूरी बना ली। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से रविवार शाम को दी जा रही हाई टी पार्टी में शिवसेना के सांसद शामिल होंगे। पंतप्रधान जी के माध्यम से कल हाई टी का प्रोग्राम कल 4 बजे है दिल्ली में। सारे शिवसेना के सांसदों को निमंत्रण तो आ चुका है और ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे। लेकिन जरा शिवसेना के वो तेवर भी समझ लीजिए जिसे दिखाने में पार्टी को कोई संकोच नहीं। ठीक है, उनको जो चाहे वो कर सकते हैं, शिवसेना भी अपने हित के लिए जो करना है।